साथियों, हमारे जो टेरेस गार्डन की बहुत शोभा हमारी गुलदावदी जो क्रेडेंथिमम है इसने बहुत शोभा बढ़ाई। अब ये मैच्योरिटी पे है तो अब मैं इसके तीन फायदे आपको बताता हूँ। इसको लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा के फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, जो हमारे फूल मैच्योर हो चुके ना फूल, ये इसको अगले साल के लिए हम इसको निकाल लेते हैं बीज के लिए, और इसको ऐसे मसलेंगे तो इसमें से ये जो देख रहे हैं ना आप, कुछ ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ये इसके बीजों को हम रख लेंगे। ऐसे जितने भी हमारे मैच्योर वाले ये फूल हैं जो आराम से ये सूख जा रहे हैं, तो इनको सबको ऐसे निकाल के और हम रख लेंगे इसको। अभी इसको हम रख देंगे जितने भी हमारे फूल हैं इस तरह, ये क्योंकि सूख चुके हैं बिल्कुल, इनको हम इकट्ठा रख लेंगे। तो ये मैंने बताया, अगर आपको ये ऐसे नहीं करना है तो इन फूलों को आप काट भी सकते हैं, काट के अभी सुरक्षित रख लीजिए। अभी ऐसे फूलों को कैंची से काट के इनको सुरक्षित रख लीजिए, सभी फूलों को। तो इन फूलों को ऐसे काट के और किसी डब्बे में इनको सूखने दीजिए। अभी ये जब अच्छी तरह ये और सूख जाएंगे तो ऐसे सभी फूल जो हमारे, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है पूरा, तो ऐसे रख लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें बताऊं, क्योंकि ये फूल हमारे जो हैं, फूल आएंगे इस पर पौधे पे, लेकिन उतने अच्छे नहीं आ पाते, उतने अच्छे जिस जो इतने अच्छे ये इस साल आए हैं उतने अच्छे नहीं आ पाते। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको गमले में लगाने हैं तो ये फूल आप बीज के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमारे उतने अच्छे जो हमने सेलेक्ट किया, जैसे इस पर फूल आए थे वैसे ही आए, तो इन पत्तियों इनको यहाँ से कटिंग कर लीजिए, सब की इनकी कटिंग कर लीजिए। ये फूल हम एक जगह रख लेंगे, और जो हमारी ये जो फूल है ये तो इसके अलग रख लेंगे हम अगले साल के लिए। और ये जो हमारा मदर प्लांट है इस पर फफूंदी नाशक दवा का स्प्रे कर देंगे अच्छे से, इसे तर कर लेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से तर करके और इस फफूंदी नाशक दवा का स्प्रे करके इस गमले को हम नेट के अंदर, जो हमारा ग्रीन नेट है, जो ग्रीन नेट है उसके अंदर पौधों के बीच में रख देंगे हम। तो वहाँ पौधों के बीच में जब इसको हम रख देंगे तो अगले साल इसी पौधे से हमारी बहुत सारी पौध हम तैयार कर सकते हैं कटिंग से। इसमें जैसे ही निकलेंगी तो उसमें उन कटिंग को काट के हम लगा लेंगे, इसी पौधे से नहीं आएंगी, कटिंग हमको लगानी पड़ेगी, और इससे बहुत सारी कटिंग तैयार करके हमें कहीं से नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा बीज से भी हम तैयार कर सकते हैं, इस पौधे के कटिंग से भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो गुलदावदी में जो होता है ना, एक जो हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होता है जिसको कहते हैं पायरेथ्रम, तो इन अगर आपको फूलों को नहीं रखना तो फूलों को, इन पत्तियों को, इसको पानी में लेकर उबाल लीजिए, अच्छे से उबाल लेंगे और उसको कुछ दिन हम रख देंगे। कुछ दिन रखने के बाद में फिर उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल मिला के और अपने पौधों पे इस्तेमाल करेंगे, इससे तो ये हमारा नेचुरल पेस्टिसाइड बन जाएगा। तो ये नेचुरल पेस्टिसाइड एक रेपेलेंट का काम करता है, ये मच्छर मक्खी कॉकरोच ये कीटे मकोड़े जो लगते हैं हमारे टेरेस गार्डन में वो नहीं लगेंगे। तो तीन फायदे मैंने बताए कि गुलदावदी के हमने हार्वेस्टिंग कर ली, फूलों का हमने बीज तैयार कर सकते हैं हम, उसके हमने जो मदर प्लांट को बचा के रख लिया जो हमारे अगले साल काम आएगा, उसको बस केवल हम ग्रीन नेट में और पौधों के बीच में, अगर ग्रीन नेट नहीं है तो पेड़ के नीम इनके पेड़ के नीचे इनको रख सकते हैं, वो काम आ जाएगा। और तीसरा मैंने बताया कि इससे हम नेचुरल पेस्टिसाइड तैयार कर लेंगे पायरेथ्रम से। तो ये तीन फायदे आज के हमारे गुलदावदी, क्यों हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके तीन फायदे हुए। इसके बाद अगर आपका गुलदावदी के और ऐसे गमले हैं उसमें अब आप तैयार कर सकते हैं उन गमलों को अपने डहेलिया के लिए। साथियों, सर्दियों में सबसे पहले जो गार्डन में बगीचे में फ्लावरिंग पौधा आता है, फूल देता है, सबसे पहले वो होता है गुलदावदी का, और जल्दी ही वो मैच्योर भी हो जाता है। अब हमने गुलदावदी के पौधे अलग अलग टाइम पर लगाए थे तो वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते जा रहे हैं।
तो जो मैच्योर हो जाते हैं उनके हम फ्लावर को, उनकी कटिंग को हम सुरक्षित रखते जाते हैं, जैसे कि अगले सीजन में वो काम आ सके। और उनके गमलों में हम, क्योंकि अब टाइम हो रहा हमारा डहेलिया का, तो डहेलिया के कुछ पौधे हम आगे ऐसी उसी तरह जैसे हमने गुलदाउदी के लगाए थे, इसी तरह हम डहेलिया के अपने प्लांट्स लगाते रहते हैं, जिससे वो अलग अलग टाइम पर आते जाएंगे। डहेलिया में यही ध्यान रखना होता है कि जैसे ही पाला गिरने की संभावना ख़त्म हो जाए तो डहेलिया को हमें लगा लेना चाहिए। तो अब हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक ये गमला तैयार किया है और कुछ पौधे हम लाए हैं। तो सबसे पहले छेद में नीचे हम इसके वो रख लेंगे कुछ पत्थर हम इसमें रख लेंगे जो छेद में, क्योंकि हमें डहेलिया के लिए जो ना वेल ड्रेन पॉट चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो हम नीचे पत्थर रख लेंगे जिससे कि इसका कोई भी पानी इसमें रुकने ना पाए। जब ये पत्थर इसके ऊपर रख देंगे तो इसके बाद हम इसमें जो हमारी तैयार है मिट्टी है, इसमें मिट्टी ही हमारी ये तैयार है, इसको लेके पहले इसमें रखेंगे। तो इसको पहले मिट्टी को यहाँ डाल के इसको थोड़ा सा दबा देंगे जिससे इसमें एयर पॉकेट ना रहे। तो एयर पॉकेट इसमें ना बने इसके लिए हम इसे दबा देंगे और हमारी जो मिट्टी होगी वो पानी के साथ ना बहे उसको कर देंगे। फिर इसके बाद हमारी जो ये सॉइल है, इस सॉइल को हमने तैयार किया है, इसमें हमने क्योंकि वेलड्रेन सॉइल चाहिए इसको और बहुत ज़्यादा सैंडी लोम सॉइल चाहिए, तो हमने गार्डन सॉइल और उसमें सैंड ये मिलाया है और उसके बाद सैंड इसमें मिलाया है, वर्मी कंपोस्ट इसमें हमने ली है। वर्मी कंपोस्ट क्योंकि रहता है कि वो बिल्कुल मैच्योर होती है, गोबर की खाद में कई बार होता है कि वो सड़ी नहीं होती। अगर डालनी है आपको FYM फार्मेड मैन्योर या काउ डंग तो इसमें वो सड़ी होनी चाहिए। परलाइट भी लिया है, जो वाइट जो देख रहे हैं इसमें, इस मिट्टी में हमने परलाइट भी लिया। तो हमारी गार्डन सॉइल सैंडी, जो हमारी सैंड ली है हमने, और इसमें वर्मी कंपोस्ट लिए है, परलाइट लिया है, एप्सम साल्ट के लिए इसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट इसमें मिलाया है, फफूंदी नाशक नीम केक इसमें मिलाया। तो ये हमारी जो मिट्टी तैयार है ये हमने एक तरह से यूनिवर्सल सॉइल तैयार करके रखा हुआ है और अपने गार्डन के पॉट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसको जब हम ये तैयार कर लिया तो हम इसको एक देख लेंगे कि हमारा जो गमला है वो इसमें सेट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये देखिए, ये अब इसमें ये सही आ जा रहा है, ये पौधा हमारा सही आ जा रहा है। तो इसकी हम पॉलीथीन हटा के और इसको जो ये मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ ये जो मिट्टी है इसको हटा देंगे हम, इसको पॉलीथीन को हटा देंगे और ये मिट्टी हटा देंगे। अब इसमें गमले जो हमने डहेलिया का चयन का उसको देखिए, ये एकदम भरा हुआ है। जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, जब आप सेलेक्ट लेके आए डहेलिया का, तो जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेज होंगी, ज़्यादा ब्रांच मतलब ज़्यादा फूल, तो आप इसको कर देंगे, इसमें रखेंगे और इसके अंदर पोट कर देंगे। हमने इसी तरह ये अलग अलग टाइम पे हम लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह हम इसमें पानी लगा के इस तरह ये हमने आज इसका गमला तैयार कर लिया। इसमें हमने जो गुलदावदी का पौधे का हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो खाली हुआ उसमें हमने जो उसकी मिट्टी थी उसमें वेल ड्रेन सॉइल हमने देखी, जो पानी डाला वो सब इसने सोख लिया। तो ऐसी सॉइल हमने बनाई है क्योंकि इसमें हमने इसको डहेलिया को हमारे सैंडी लोम पसंद है, तो सैंडी लोम के लिए हमने गार्डन सॉइल के साथ साथ और ह्यूमस रिच सॉइल भी चाहिए। और इसके तने में, क्योंकि एक तने पे बहुत सारे पौधे को बड़े फूल को रोकना होता है इसको वजन, तो तना मजबूत होना ज़रूरी है। तो इसमें नाइट्रोजन उर्वरक कम चाहिए हमें, बल्कि फास्फोरस पोटासिक उर्वरक ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हमने गार्डन ह्यूमस रिच गार्डन सॉइल के साथ साथ सैंड परलाइट नीम केक फफूंदी नाशक और एप्सन साल्ट ये सारी चीज़ें इसकी सॉइल मिक्स में मिलाया है। तो इस तरह ये हमारा गमला तैयार हो गया और हम ऐसे एक एक दो दो गमले अलग अलग टाइम पे तैयार करते जा रहे हैं। हमने साथियों देखिए, अलग अलग टाइम से हम डहेलिया लगा रहे हैं जिससे कि हमें पूरे
लंबे समय तक ये जो हमारे फूल खिलते रहें। और अच्छी क्वालिटी के बहुत सारी डहलिया की वैरायटीज आती हैं, तो उसमें हम नर्सरी से ये देख के ही लाते हैं कि जिसमें ज़्यादा ब्रांच चीज़ें कि कितना भरा हुआ पौधा है, जितने ब्रांच ज़्यादा ब्रांच होंगे तो उतना ही ज़्यादा ये खिलेगा। इससे पहले हमने ये अभी कुछ दिन पहले इसका लगाया है, इसकी सॉयल तैयार की है इस गमले, और देखिए ये अब ये इसकी सॉयल बहुत अच्छी हमें बनानी होगी। सॉयल अच्छी बनाइएगा क्योंकि ये पौधा देखो इसका स्टेम, इसको स्टेम को जैसे ये बड़ा हुआ सहारा देने की ज़रूरत है। देखिए फूल कितना प्यारा सा फूल आ रहा है। डहेलिया में असंख्य प्रजातियाँ, हाइब्रिड्स हैं, इतने सुंदर प्यारे प्यारे फूल ये शुरू हो गया। तो हमने ये इसमें यहाँ पे एक ये सहारा इसको दिया हुआ है, ये इस तरह सहारा दे देंगे। ये देखिए ये तैयार किया है अभी हमने गमला, ये हमने कुछ दिन पहले, अभी देखिए पहला हमारा छोटा सा फूल, फिर उसके बाद ये खिलने लग रहा है। ये फूल देखिए, ये देखिए दूसरे फिर तीसरे कलर में, ये अभी कली इसकी बन रही है। ये देखिए ये देखिए और ये देखिए कितना बड़ा फूल है। ये इतने अलग अलग टाइम पे अगर आप लगाएंगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइज के ये गमले आपके गार्डन में खिलते रहेंगे, तो ये फूल खिलते रहेंगे अच्छे अच्छे। ये फूल बहुत ही सुंदर, आपने खूबसूरत फूल हमारे गमलों में खिलते जाएंगे। तो इस तरह हमें हमारा गुलदावदी जैसे जैसे मैच्योर हुआ, गुलदावदी का गार्डन हमारा मैच्योर हुआ, तो उसके हमने पौधों को और उसके हमने फ्लावर्स को जो पुराने थे उनकी हार्वेस्टिंग करके अपना नेचुरल पेस्टिसाइड बनाने के लिए और अगले किस उसके लिए कटिंग के लिए तैयार कर लिया। और इधर डहेलिया का हमने रोपण कर दिया और इसको हम अभी आगे आने वाले समय में ऐसे ही करते जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा ये गुलदावदी की हार्वेस्टिंग और डहेलिया के रोपण और उसके केयर के संबंध में ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।